कृष्णा भैया का डिमोशन हो गया है। रौबदार कड़कदार बेखौफ कृष्णा से उनका ट्रांजिशन हो गया है। अब वो बन गए हैं सीधे साधे भोले भाले दादाजी का हर हुक्म मानने वाले बॉडीगार्ड। जी हाँ, बॉडीगार्ड कह लीजिए या वफादार, मुद्दा तो ये है कि कृष्णा भैया के मिजाज बदल गए हैं। अंदाज बदल गया है, अब वो भोले भाले से चुपचाप से रहने वाले रघु हो गए हैं, जो अपनी मैडम जी का खूब ख्याल रखते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं और उनके हर हुक्म की तामील करते हैं। कृष्णा जो कैरेक्टर है वो, उन्हें पता था कि मैं हूँ और मैं ही डॉन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और सारी रही सी ले ली गई है कुछ भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, बहुत सिंपल से साधारण से इम्पोर्टेंट है इनके जो दादाजी हैं उनके लिए, तो राइट हैंड जैसे मैंने आपको बताया, तो उनके सारे काम कोई भी तरीके काम, वो बहुत लॉयल हैं, बहुत सिंसियर हैं। क्या कहा, ये कहानी सुनी सुनाई सी देखी दिखाई सी है। हाँ जी, हर सी क्या है, क्या हो गया अगर बॉडीगार्ड से इंस्पिरेशन ले ली हो, या बहुत साल पहले आई अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म जान से एक आधा सीन उठा लिया हो। मुद्दा तो ये है कि अब फिल्मों का ये कॉम्बिनेशन सीरियल में बदलने जा रहा है। स्टोरी काफी सिंपल सी है, वही उसका बेस्ट पार्ट है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है और जो स्टोरी में कृष्णा भैया की नई हीरोइन का तो जवाब ही नहीं, ये मोहतरमा नई तो है लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। Always very excited to do a scene with him or Alok ji. So मेरे लिए तो बहुत अच्छा experience है अभी तक। बातें बताना भी जानती हैं और बातें घुमाना भी। सीरियल में इन मोहतरमा का नाम है शिवानी, and no prizes for guessing। आगे चलकर शिवानी और रघु को ही एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। क्योंकि सीरियल का नाम ही तो है दो दिल बंधे एक डोरी से। ये सीरियल जल्द ही जी टीवी पर आएगा और किस सीरियल की जगह लेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कृष्णा भैया की जगह रघु ने जरूर ले ली है एकदम न्यू एंड इम्प्रूव्ड अवतार में। दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।